दुखद खबर इस समय जेके चैनल के माध्यम से देखते हुए और वीडियो को साथ के साथ शेयर कर दीजिएगा। इस समय की दुखद खबर, जिस तरह से लगातार गर्मी जो है वो बढ़ रही है और कई बच्चे जो हैं वो तवी का रुख करते हैं या फिर किसी नहर का रुख करते हैं, तो बच्चों का ध्यान जो है वो ज़रूर रखिएगा, क्योंकि इस समय हैरान कर देने वाला मामला जो है वो सामने आया है। महज 13 वर्ष का बच्चा जो है अब हमारे बीच नहीं रहा। आपको बता दूं कि तवी नदी में नहाने के लिए ये सब दोस्त जाते हैं और इस बीच 9वीं कक्षा का ये छात्र जो है तवी में डूब जाता है। तो अपील रहेगी, जिस तरह से गर्मियां जो हैं वो लगातार बढ़ रही हैं और बच्चे जो हैं, जो स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, वो रुख जो है वो नहरों का कर रहे हैं या फिर तवी का कर रहे हैं, तो ज़रूर अपने बच्चों का ध्यान रखें कि बच्चे जो हैं वो नहरों की ओर ना जाएं। पूरा मामला अगर आपको बता दूं तो संदीप कुमार नामक ये बच्चा जो है अपने स्कूल से तवी की ओर अपने दोस्तों के साथ चला जाता है, जहां नहाते समय पानी में डूबने से इस बच्चे की जान जो है वो चली गई। काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण पल जो है वो सामने आया। पूरा मामला जो है ये गणेश चक का बताया जा रहा है, जो कि बताया जा रहा है ये बच्चे जो हैं वो स्कूल जाने के बाद वहां से निकलते हैं और गर्मी ज़्यादा होने के कारण ये सूराचक तवी में नहाने के लिए चले जाते हैं, जहां उनमें से एक दोस्त जो है उसकी जान जो है वो चली जाती है। आत्मा की शांति की दुआ ज़रूर कीजिएगा और परिवार इस सदमे से उबर सके इसकी दुआ ज़रूर कीजिएगा। फिर आप पेरेंट्स से अपील है कि तपती गर्मी जो है वो लगातार बढ़ रही है और कहीं ना कहीं बच्चे जो हैं वो तवी का रुख कर रहे हैं या फिर नहरों का रुख कर रहे हैं। ये वीडियो आप तक पहुँचाने का मकसद यही है कि जागरूकता आए और बच्चों की जान जो है वो बचाई जा सके। जिस तरह से महज 13 वर्षीय संदीप कुमार, जो कि गणेश चक का रहने वाला था, वो अपने स्कूल में छुट्टी होने के बाद जो है अपने दोस्तों के साथ जो है तवी की तरफ चला जाता है, क्योंकि गर्मी जो थी वो काफ़ी ज़्यादा थी। गर्मी से राहत पाने के लिए ये सारे दोस्त जो हैं वो तवी में नहाने के लिए जाते हैं और तवी जो थी ये सूराचक फ्लाई मंडाल में है। वहाँ पर नहाते नहाते ये बच्चा जो है ये पानी में डूब जाता है, जिस कारण इस बच्चे की जान जो है वो चली गई है। दुर्भाग्यपूर्ण पल इस समय जेके चैनल के माध्यम से देखते हुए, क्योंकि अगर तवी की बात करें तो कई जगह पे जेसीबी द्वारा गड्ढे किए जाते हैं, जिस तरह से बाजरी और रेता निकाला जाता है उसके चलते कई गड्ढे जो है वो किए गए होते हैं, तो कहीं कहीं जगह पानी जो है वो कम गहरा होता है, मगर कहीं पानी की गहराई जो है अधिक रहती है। और उसी बीच ये दुर्भाग्यपूर्ण पल जो है वो आप तक साझे कर रहे हैं। दुखद हादसा जो है इस समय जेके चैनल के माध्यम से देखते हुए आत्मा की शांति की दुआ जो है वो ज़रूर कीजिएगा। दृश्य जो है आप तक साझे करते हैं, ये आप देख सकते हैं कि दुर्भाग्यपूर्ण पल जो है इस समय जेके चैनल के माध्यम से आप तक साझा कर रहे हैं। किस तरह से बच्चे का शव जो है वो घर की ओर जा रहा है और ये हादसा फिर ना हो, बस इसकी दुआ कीजिए कि बच्चों को जो है वो आप ऐसे ही नहरों की ओर ना जाने दें, ऐसी जगहों पे जहाँ पर पानी जो है वो रहता है और कहीं गड्ढे जो हैं वो पानी में रहते हैं, जिस कारण बच्चे जो हैं इस गर्मी से निजात पाने के लिए रुख जो है वो नहर की ओर करते हैं। और दुर्भाग्यपूर्ण पल रहा कि किस तरह से महज 13 वर्षीय संदीप कुमार जो है अब हमारे बीच नहीं रहा है। तो ज़रूर आत्मा की शांति की दुआ करें और परिवार जो है वो इस सदमे से उबर सके इसकी दुआ ज़रूर कीजिएगा। आखिरकार तपती गर्मी से राहत पाने के लिए बच्चे जो हैं वो नहरों का रुख करते हैं और वहीं ये रुख जो है परिवार को जो है पूरी ज़िंदगी अब झेलना पड़ेगा। किस तरह से ये बच्चा जो है वो तवी नदी, जो कि सूराचक में तवी नदी पड़ती है, उसमें डूबने से इस बच्चे की जान जो है वो चली गई है। मैं फिर आपको बता दूं, ये बच्चा जो है ये गणेश चक का रहने वाला था, जिसे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जब लाया गया तो उस बच्चे की जान जो है वो चली गई थी। आप तक ये वीडियो पहुंचाने का सिर्फ एक ही मकसद है कि जिस तरह से लगातार तपती गर्मी जो है वो बढ़ रही है जम्मू में और स्कूल की टाइमिंग जो है उसे भी बदला गया है, मगर बच्चों से भी अपील है कि अगर आपके स्कूल ख़त्म होते हैं उसके बाद आप घर चले जाओ, घर में आप एसी के नीचे बैठो या फिर कूलर के नीचे या फिर फैन के नीचे, आप नहरों का रुख ना करें, आप तवी का रुख ना करें, क्योंकि तवी में कई जगह जेसीबी द्वारा जो है बड़े बड़े गड्ढे जो हैं वो किए गए हैं और जब
पहले बच्चा नहाने के लिए कोई भी शख्स जाता तो उन्हें लगता है कि पानी में गहराई जो है वो नहीं है, मगर ना जाने किस पल कौन सा बड़ा गड्ढा या फिर बड़ी गहरी खाई जो है वो तवी में होगी। तो आप लोगों से अपील है, माता पिता से अपील है, वीडियो को शेयर कर दें ताकि जो भी ये पेरेंट्स देख रहे हैं उन तक ये वीडियो पहुँचे और बच्चे जो हैं वो स्कूल से छुट्टी होने के बाद घर की ओर जाएं, ना कि नहरों की ओर, ना ही तवी की ओर। खासकर तवी की ओर बिल्कुल बच्चों को हिदायतें दे दें कि वो तवी की ओर ना जाएं। जिस तरह से ये बड़ा हादसा जो है वो पेश आया, महज 13 वर्ष का बच्चा, 9वीं कक्षा का छात्र अब हमारे बीच जो है वो नहीं रहा है। एक बड़ा हादसा जिसमें इस बच्चे की जान जो है वो चली गई है। तो ज़रूर आत्मा की शांति की दुआ करें और परिवार इस सदमे को भूल सके, सदमे से बाहर निकल सके, इसकी दुआ भी ज़रूर कीजिएगा। बेहद मुश्किल रहता है पाल पोस के बच्चे को बड़ा करना और 13 वर्ष की आयु में वो बच्चा जो है इस दुनिया को अलविदा कह दे। इस समय परिवार में चीख पुकार के अलावा कुछ भी नहीं है, क्योंकि उनका बेटा जो है वो इस दुनिया को अलविदा कह चुका है। बड़े बड़े सपने माता पिता द्वारा देखे गए थे, मगर किस तरह से इस तपती गर्मी से बचने के लिए बच्चों ने जो है वो तवी का रुख किया, और कभी सोचा भी नहीं होगा कि ये सफ़र जो है वो अंतिम सफ़र जो है होने वाला है। ये मामला फिर आप लोगों को बता दूं तो ये मामला जो है वो सूरचक तवी से सामने आया है, जहां 13 वर्षीय संदीप जो है वो नहाने के लिए जा रहा था और तपती गर्मी से बचने के लिए बच्चे जो है वो इस तवी की ओर चले गए, जहाँ इस बच्चे ने अपनी ज़िंदगी जो है वो गंवा दी है। तो कोशिश करें अपने बच्चों को हिदायतें दे दें कि आप तवी की ओर ना जाएं। मैं फिर आपको कहता हूं, क्योंकि जिस तरह से तवी से रेता बजरी निकाली जाती है, कई जेसीबी जो है वो रात को काम करती हैं और कई जगह पे बड़े बड़े गड्ढे जो है वो हो जाते हैं, जिसके चलते इस बच्चे की जो है वो जान चली गई है। फिर आपसे अपील रहेगी कि ये सिर्फ वीडियो आप तक पहुँचाने का उद्देश्य यही था। जो हादसा आज पेश आया, ये हादसा फिर किसी के परिवार पे पेश ना आए। जब भी बच्चा घर से जाए उसे साफ कहिए कि गर्मी जितनी भी हो आप घर आ जाएं, आप नहर की तरफ ना जाएं, आप तवी की ओर रुख ना करें। क्योंकि फिर मैं अपील करूंगा पुलिस प्रशासन से भी कि तवी में अगर रात के समय कोई भी खुदाई जेसीबी द्वारा होती है तो कार्रवाई जो है सख्त उनके खिलाफ होनी चाहिए। मगर एक परिवार का सदस्य जो है वो आज चला गया है, दुर्भाग्यपूर्ण पल जो है इस समय जेके चैनल के माध्यम से देखते हुए। देखते रहें जेके चैनल।